बागपत न्यायालय में 15 दिसंबर को पेशी पर आते हुए उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से फरार हुए अमित भूरा मामले में बागपत पुलिस ने अहम सुराग हाथ लगने की बात कही है। दरअसल बागपत पुलिस ने भूरा के फरार होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साथी अरविंद को 5 दिन और सद्दाम को 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया। बागपत पुलिस इससे पहले भी सद्दाम को रिमांड पर ले चुकी है। वहीं 5 दिन के रिमांड पर लिए गए अरविंद को कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस ने अरविंद से उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों से लूटी गई 2 AK-47 और 1 SLR में से 1 AK-47 बरामद भी की थी। वहीं बागपत के ASP के मुताबिक अभी तक पूछताछ में अरविंद से अमित भूरा के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही भूरा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल भूरा मामले में अभी तक बागपत पुलिस 3 लोगों को और दिल्ली पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अमित भूरा अभी तक पुलिस के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। अभी अरविंद को लिया गया है और अरविंद से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, कुछ अहम सुराग मिले हैं इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कहां तक है अमित भूरा के पास पुलिस? अरविंद से जितनी जानकारी मिली है वो सफिशियंट है, उसके आधार पर कार्रवाई करके वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाए।